राखी सावंत किसी न किसी वजह से हमेशा ही कंट्रोवर्सी में बनी रहती है। टीवी हो या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री, राखी ने खुद के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आपको बता दें कि राखी सावंत बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी, ऐसे में वो आज जिस मुकाम पर है वो अपने दम पर पहुंची है। कभी अपने बयान को लेकर तो कभी अपनी हरकतों को लेकर राखी सुर्खियों में छाई रहती है। सोशल मीडिया पर आए दिन किसी न किसी वजह से राखी सावंत सुर्खियां बटोरती रहती है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ही राखी की पर्सनल लाइफ के बारे में पता होगा। बहुत कम लोग ही राखी के जीवन की अनसुनी कहानियों के बारे में जानते होंगे। राखी आज भी अपने बुरे दौर को याद करके रो देती है। राखी सावंत की लाइफ से जुड़ी हुई कड़वी सच्चाई के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। राखी के दर्द को अगर आप महसूस करेंगे तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। राखी एक बार एक शो में पहुंची थी, जहां उन्होंने अपनी लाइफ की कड़वी सच्चाई और दिल में छुपे दर्द को लोगों के सामने बयान किया था। राखी सावंत का रियल नेम नीरू भेदा है। इंडस्ट्री में अपनी किस्मत को चमकाने के लिए एक्ट्रेस ने अपना नाम बदल लिया था। राखी ने उस शो में बताया था कि वो बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनकी माँ एक अस्पताल में आया हुआ करती थी। वहीं पिता के बारे में बात करते हुए राखी ने कहा कि वो मुंबई पुलिस में कांस्टेबल थे। राखी सावंत के परिवार का गुजारा बहुत ही मुश्किल से हुआ करता था। कभी कभी तो ऐसा भी वक्त देखना पड़ जाता था जब खाने तक के लिए खाना नहीं हुआ करता था। ऐसे में वक्त में उनके पड़ोसी खाना दिया करते थे और कई बार भूखे पेट सो जाया करते थे। शुरू से ही राखी को एक्टिंग और डांसिंग का बहुत ही ज्यादा शौक था। राखी ऐसे में जब अपने घर में डांस करती थी तो उनके मामा उन्हें मारा करते थे। इसके पीछे की वजह ये थी कि उनके घर में लड़कियों को डांस करना अलाउड नहीं था। राखी के घर वाले शादी करवाना चाहते थे, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी। राखी एक दिन अपने घर से बगावत कर जो पैसे घर में रखे हुए थे उसे चुरा कर भाग निकली। जब राखी अपने घर से बगावत करके भागी थी तो उनसे हर किसी ने रिश्ता तोड़ लिया था। राखी सावंत की एक्ट्रेस बनने तक की जो जर्नी है वो काफी ज्यादा मुश्किलों से भरी हुई थी, लेकिन आज राखी जिस मुकाम पर है उसमें उन्हें किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपकी क्या राय इस रिपोर्ट के बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।